इक्विवेलेंट मास, किसी एलिमेंट का वो मास, किसी एलिमेंट का वो मास जो या तो वन पार्ट बाय मास हाइड्रोजन के साथ, या एट पार्ट बाय मास ऑक्सीजन के साथ, या 35.5 पार्ट बाय मास क्लोरीन के साथ या तो कंबाइन करे या उसे डिस्प्लेस करे, इक्विवेलेंट मास कहलाता है। ठीक, अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, सपोज करिए मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 और H2 बना रहा है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। Mg का मास होता है 24, तो आप देख सकते हैं कि 24 पार्ट बाय मास ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन में दिख रहा है। अच्छा, बाय डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अनुसार हमें हाइड्रोजन का 1 पार्ट बाय मास चाहिए। तो अपन वापस चलते हैं। हाँ, 2 पार्ट कंबाइन कर रहा है 24 पार्ट के साथ, तो अब बाय वो यूनिटरी मेथड हम बोल सकते हैं कि 1 पार्ट विल कंबाइन विथ हाउ मेनी पार्ट, 12 पार्ट्स। ओके, नाउ मैग्नीशियम जो है उसका 12 पार्ट्स 1 पार्ट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। डेफिनेशन भी यही कहती है, किसी चीज़ का वो पार्ट जो 1 पार्ट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे वो कहलाता है इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास यानी ई ऑफ मैग्नीशियम ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 12, जिसको अपन लोग लिख सकते हैं 24/2, ये याद रखेंगे 24/2। अगला एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है, कैल्शियम का मास है 40, हाइड्रोजन का मास है 2, मतलब 40 पार्ट कैल्शियम इज कंबाइनिंग विद 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 पार्ट किसके साथ कंबाइन करेगा, 1 पार्ट कंबाइन करेगा 20 पार्ट के साथ। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी चीज़ का वो पार्ट जो 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता हो वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। तो यहाँ से समझ में आया इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20। अच्छा, क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, 40/2 लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, चल जाएगा। वो ये जो ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। ओके, नाउ अगला रिएक्शन, सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाफ मोल O2 के साथ, Na2O बना रहा है, रिएक्शन आप देख लीजिए बैलेंस है। अच्छा, सोडियम का मास होता है 23, 2 सोडियम का मास हो जाएगा 2 × 23, 2 × 23। अच्छा, O2 का मास होता है 32, हाफ O2 का हाफ × 32 हो गया 16 पार्ट। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 × 23 पार्ट कंबाइन कर रहा है 16 पार्ट के साथ। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन 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 कहती है कि 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन के साथ या तो हमें क्या करना है, कंबाइन करना है या हमें उसे डिस्प्लेस करना है। तो आइए देखते हैं, 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन याद रखिएगा, 8 पार्ट बाय मास, 16 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन, 2 × 23, 8 पार्ट, इसको आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 पार्ट्स बाय मास। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि 23 पार्ट्स बाय मास सोडियम कंबाइन कर रहा है 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन के साथ, वही डेफिनेशन भी हुई है। तो यहाँ से समझ में आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना हो गया जी, 23, कैसे लिख दूँ, 23/1, ठीक 23/1 लिख दिया अभी। हाँ, FeCl2 के साथ मिलके दिस फेरस क्लोराइड बना रहा है, Fe का मास 56, क्लोरीन का मास 35.5, 2 क्लोरीन का मास 2 × 35.5। हाँ, अच्छा क्लोरीन कितना चाहिए अपने को, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन चाहिए 35.5 पार्ट बाय मास क्लोरीन, या तो कंबाइन करे या तो डिस्प्लेस करे। ओके, चलें अपन अपने उस एग्जाम्पल में, तो ये अपना एग्जाम्पल है। हाँ, क्लोरीन कितना है अपने पास, 2 × 35.5, अपने को कितना चाहिए 35.5, तो 35.5 पार्ट के लिए ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा, कितना 56/2। आयरन का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 56/2 हो जाएगा। नेक्स्ट फेरिक क्लोराइड Fe+3Cl, FeCl3 बना रहे हैं, 56 पार्ट 3 × 35.5 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहा है, मुझे चाहिए कितना 35.5 पार्ट, ठीक है, ये कितना हो गया 1/3 हो गया। तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3, 56/3 पार्ट्स। ओके, यहाँ से इक्विवेलेंट में वेट ऑफ आयरन कितना आ गया, 56/3। अच्छा, ऊपर वाले एग्जांपल पे अभी 2 मिनट पहले आयरन का इक्विवेलेंट मास आया था 56/2, अभी क्या आया है,
अभी आया 56/3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट में वेट हमेशा फिक्स हो, रिएक्शन रिएक्शन वेरी कर सकता है, हर रिएक्शन में अलग अलग होगा। चलिए एक बार फटाक से रिवाइज करें, अपन लोगों ने क्या क्या देखा। अपन ने देखा भैया, हाँ, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना आया, 24/2। उसका एटॉमिक मास बाय सम नंबर 2। कैल्शियम एटॉमिक मास 40, इक्विवेलेंट मास 40/2, एटॉमिक मास बाय 2। सोडियम एटॉमिक मास 23, इक्विवेलेंट मास 23/1। आयरन एटॉमिक मास 56, इक्विवेलेंट मास 56/2। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, 56/3 हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी नंबर से। तो यहाँ से समझ में आया कि क्या होगा। अच्छा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग कहते हैं प्यार से मोलर मास। तो जो हमारा मेन फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट मास का, वो आ गया भाई मोलर मास अपॉन कोई सा नंबर, और इस नंबर को क्या कहते हैं हम, इस नंबर को हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, जो हम आगे देखेंगे बाद में। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आ गया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, इक्विवेलेंट मास एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जब हम इसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, तो जैसे हम वहाँ एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते थे तो हम उसे कहते थे ग्राम एटॉमिक मास। उसी प्रकार इक्विवेलेंट मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट मास। इसके बाद अगले वीडियो में हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और यही वैलेंसी फैक्टर, ये वैलेंसी फैक्टर जब हम निकालना सीख जाएंगे तो हम अलग अलग कंपाउंड्स के इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।